आप लेवल 11 में मस्त मजे कर रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों आपको लेवल 0 में जाने की चुल मस्ती है और लेवल 0 में जाने के चक्कर में पहुंच जाते हो लेवल -0 में। हाँ, मैं जानता हूँ कि -0 कोई इंटीजर नहीं होता, लेकिन बाबू ये बैक रूम्स है, ये जगह आपको पिज्जा के ऊपर जैम लगा के खिला सकती है, तो असंभव तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता जी। तो हेलो, स्वागत है आपका नेगेटिव बैक रूम लेवल्स में। सबसे पहले लेवल -0 जिसकी सर्वाइवल डिफिकल्टी है पेंडिंग, और ये लेवल देखने में लेवल 0 की तरह ही है, बस यहाँ दीवारों का रंग गुलाबी या काला होता है और कहीं कहीं पर विजुअल नॉइस या फिर डिस्टर्बिंग दिखाई देती है। यानी इस लेवल में आते ही पहले आपकी आंखों में दर्द होगा, फिर आपको सुनाई देंगी कुछ आवाजें जो आपको ये बताएगी कि ये लेवल एक गिफ्ट है। ये आवाजें सुनने में अलग अलग लोगों की लगती है जो कि अब एक हो चुकी है और ये आपको भी अपने साथ शामिल करना चाहती है। एक तरह से देखा जाए तो ये आवाजें उन लोगों की आत्माएं हैं जो इस लेवल में मारे गए, और ये आत्माएं मिलकर एक आवाज बन गई और नई नई आवाजों को खुद में शामिल करती रहती है। यानी इस लेवल से निकलना तो असंभव है, तो ऐसा मान लेते हैं कि समहाउ यहाँ मरने के बाद आप लेवल -1 में रिस्पॉन हो गए, जिसकी सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 2 है, और देखने में ये लेवल एक अनंत कॉरिडोर है। यहाँ आपको दूर से पियानो बजने की आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन चाहे आप कितना भी आगे क्यों ना जाओ वो पियानो कभी पास नहीं आता, और क्योंकि ये कॉरिडोर कभी खत्म नहीं होता तो ज्यादा दूर जाने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि अगर चलते गए तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, हो सकता है आपको सब कुछ स्टैटिक इफेक्ट में दिखाई दे, और क्या पता आप अपने आप से न्यूट्रिशा नाम की एंटिटी के बारे में बड़बड़ाने लग जाओ। खैर, ये जो दरवाजे हैं ये आपको लेवल 0, लेवल व्हाइट आउट, लेवल 2 या लेवल -2 में ले जा सकते हैं। वैसे तो लेवल -2 में जाना बेवकूफी होगी, लेकिन आज हम वहीं जाने वाले हैं। लेवल -2 क्लास 4 डिफिकल्टी लेवल है, और ये लेवल 4 हिस्सों में बटी हुई है, दी पूल, दी हॉल ऑफ डल फ्लेम्स, दी एबिस और दी कैफ मेज। मजाक कर रहा था, दी कैफ कैस्क्यू मेज, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती भी है और नहीं भी करती, बिकॉज इस लेवल का क्रिएटर जो कि अननोन है, उसका कहना है कि ये लेवल सिर्फ समय की तबाही का नतीजा है। ये जगह कभी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन समय की वजह से यहाँ सब कुछ तबाह हो गया, और इसीलिए क्रिएटर ने स्क्रीमर्स नाम की एंटिटी बनाई जो कि अपनी साउंड वाइब्रेशन की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म को समय में मिनटों या घंटों पीछे ले जा सकती है, और ये एंटिटी इस लेवल में समय की गंदगी को साफ करती है। तो इस लेवल में टाइम मैनिपुलेशन का काफी लफड़ा है, और ये जगह एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती वो भी काफी लफड़ा है। वेल, बैक रूम से यहाँ तो ऐसा ही होता है जी। खैर, अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो पूल वाले इलाके की छत पर लेवल -3 की एंट्रेंस मिल सकती है, और हाँ, वैसे तो पूल एरिया एलिमेंट वाटर से भरा है, लेकिन गलती से भी इसको पी मत लेना, क्योंकि ये एक्चुअली स्क्रीमर्स की पी है। छी। वेल, अब हम चलते हैं लेवल -3 में, जिसकी सर्वाइवल डिफिकल्टी है क्लास मिराज। ये लेवल एक क्यूबिकल कमरा है जिसकी चार दीवारी, छत और जमीन रिफ्लेक्टिव शीशों से बनी है, जिन्हें देखने से लगता है कि ये लेवल इन्फिनाइट है, जो कि ये टेक्निकली है भी, क्योंकि इन 6 शीशों में से एक या दो ऐसे होंगे जो पानी की तरह होंगे, यानी थोड़ी सी जान लगाने पर आप उन शीशों के आर पार जा सकते हो, और दूसरी तरफ होगा एक सेम कमरा, और आप जितनी बार दूसरे कमरे में जाते रहोगे शीशे उतने ही टूटे हुए और गंदे होते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब शीशे आपकी शरीर की रिफ्लेक्शन छोड़ के आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे और आपसे आप ही की आवाज में बात करेंगे, और आपको ऐसे शीशों की दूसरी तरफ जाने के लिए उत्साहेंगे जहाँ की जमीन से आर पार होके आप नीचे वाले कमरे में गिर सकते हो, वो भी तब अगर किस्मत अच्छी हुई, वरना ऐसा भी हो सकता है आप जमीन के आर पार होते रहे और अचानक से सॉलिड शीशे पे गिर गए। छोटे तो छोड़ो, जिंदा बच जाओगे वो भी बहुत बड़ी बात होगी। इस लेवल में सरवाइव करने के लिए आवाजों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो, वो जो भी कहे आप सुनना मत। अगर बात करें एग्जिट की तो यहाँ के सॉलिड शीशों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उनके पीछे या तो वॉइड ऑफ नथिंगनेस होगा या फिर एक पब्लिक बाथरूम। अगर बाथरूम मिला तो टूटे हुए शीशे से संभल के जाना और थोड़ा जल्दी जाना, क्योंकि ये शीशा खुद को हील करता रहता है। और अगर वॉइड दिखा तो ये कमरा छोड़ो, दूसरे कमरे में ट्राई करना, क्योंकि जो वॉइड में गया वो कभी वापस नहीं आया। बाय द वे, इस लेवल में ज्यादा देर रुकना सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट देख देख कर हेलुसिनेशंस और सर में दर्द होने लगता है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके इस लेवल से निकलने की कोशिश करना, और काफी चांसेस है कि उस पब्लिक बाथरूम में जाने से आप असली दुनिया में चले जाओगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आप जैसे तैसे जुगाड़ लगा के लेवल -4 में आ जाते हो, जो कि एक क्लास अनडिटरमाइंड डिफिकल्टी लेवल है, और आप यहाँ एक जले हुए और टूटे हुए शेल्टर में स्पॉन होंगे, और यहाँ जो भी आता है इसी शेल्टर में स्पॉन होता है। रही बात एनवायरनमेंट की, तो ये
पूरी लेवल एक बहुत घना जंगल है जहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता है और कंपास जैसे डिवाइस यहाँ काम नहीं करते, जिसकी वजह से आप इस जंगल में खो सकते हो लेकिन कभी इस जंगल का अंत नहीं देख सकते। और यहाँ ना तो कोई इंसान रहते हैं ना ही कोई एंटिटीज। रही बात एग्जिट की, तो अगर आप यहाँ के जंगलों में मीलों दूर तक एक्सप्लोर करोगे तो काफी चांसेस है कि आप लेवल -5 में नॉकलिप हो जाओ, जो कि फाइनली एक सेफ लेवल है। एक ऐसी जगह जहाँ हमेशा बर्फीला मौसम रहता है, और देखने से पता चलता है कि ये जगह पहले कभी World War II में इस्तेमाल हुई होगी। इस लेवल में कोई भी एंटिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ बर्फ होने की वजह से हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ एक पिल बॉक्स भी है जिसे हो सकता है किसी समय में हथियारों को स्टोर करने और दुश्मनों के खिलाफ डिफेंस और ऑफेंस करने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। बट अगर आप इस पिल बॉक्स के अंदर देखोगे तो आपको एक इन्फिनाइट हॉलवे नजर आएगा जिसकी दीवार पर लिखा होगा न्यू ईयर्स 1945। अभी हॉलवे इन्फिनाइट है या बहुत लंबा होने की वजह से इन्फिनाइट लगता है, ये तो बाहर खड़े रहकर नहीं बता सकते। बाहर से याद आया, इस लेवल में हर 7 दिन बाद आसमान में World War II के बॉम्बर प्लेन्स की परछाई नजर आती है। असली प्लेन्स नहीं, सिर्फ उनकी परछाई। और लगभग 200 प्लेन एक दूसरे की नजदीक से होते हुए उड़ते हैं और इनसे आवाज बहुत आती है, तो कानों के पर्दे बचा के रखना। बाय द वे, ये प्लेन जमीन के ऊपर बॉम्ब भी गिराते रहते हैं। पहली बारी में तो कोई देख के ही डर जाए, बट ये बॉम्ब जमीन छूने से पहले ही गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो इस लेवल में इन प्लेन्स की आत्मा कैद हो चुकी है। वेल, बहुत घूम लिया, अब अगर अगली लेवल में जाना है तो पिल बॉक्स के अंदर मौजूद हॉलवे शायद आपको अगली लेवल में ले जा सकता है। लेकिन मैं नहीं बता रहा अगली लेवल के बारे में, अब मैं बताऊंगा आज की बोनस लेवल -! के बारे में। वेल, ये लेवल एक्चुअली लेवल -! की एक सब लेवल है, और लाल की जगह ये लेवल ब्लू कलर की है। यहाँ पर विंडोज भी है जिनसे आपको दूर रहना है, और इधर उधर पड़ी दवाई के पैकेट्स को कंज्यूम ना करो तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज जिसने भी ये दवाइयाँ खाई उसे फिर कभी नहीं देखा गया। नहीं, वो अदृश्य नहीं हो गया, वो शायद किसी गड्ढे में गिर गया। यहाँ पर फेसलिंग्स भी पाए जाते हैं, लेकिन नॉर्मली वो हमला नहीं करते, एक्सेप्ट यहाँ कभी कभी ब्लैकआउट हो जाता है जब सारी लाइट्स बंद हो जाती है और ये फेसलिंग्स आपके ऊपर हमला करने को दौड़ते हैं। और अगर आप किसी कमरे में हो तो ब्लैकआउट होते ही आप उसी कमरे में लॉक हो जाओगे और तब तक रहोगे जब तक ब्लैकआउट खत्म ना हो। रही बात एग्जिट की, तो उसके लिए आपको लेवल -! की तरह ही हॉलवे के आखिरी हिस्से तक भागना होगा जहाँ पर आपको इस लेवल की एग्जिट मिल जाएगी। फिर उसके बाद बाय बाय।